हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको इस टाइप की कुर्ती बनाना बता रही हूँ और इसके साथ मैंने इसका जो सलवार वाला पीस था उसका एक काफ्तान बनाया था, जिसका वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। तो यहाँ पर जो कुर्ती है वो उसका कपड़ा है 2.5 मीटर और हम 2.5 मीटर में से जो कुर्ती बनाएंगे वो इस तरह के पैटर्न की बनाएंगे, जिसे आप साइड में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो मेज़रमेंट इसका इस तरह से है कि लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 45 इंच फुल लेंथ, उसमें चोली में लूँगी 15 इंच की। तो नीचे का जो स्कर्ट पोर्शन बचेगा ना वो रहेगा 30 इंच का, चेस्ट 40 है, वेस्ट राउंड 36 है, शोल्डर यहाँ पर 14 है, आर्म होल 16 इंच है। तो जैसा कि आप इसे देख रहे हैं कि ये दो हिस्सों में बनेगी, तो पहले मैं यहाँ से चोली वाला पार्ट कट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इस तरह इसे डबल फोल्ड किया और उसके बाद मैंने इसे किया 4 फोल्ड। अब देखिए, यहाँ मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसमें से हम चोली की लेंथ निकालेंगे, तो 15 इंच मुझे रेडी करना है। मैं यहाँ पर 16.5 ले लेती हूँ। ये कपड़ा मैं यहाँ से कट कर लूँगी। अब यहाँ से चोली की मार्किंग करनी है, आप चाहें तो इसमें अस्तर लगा भी सकते हैं। अब देखिए, 7 इंच पर यहाँ मैंने लिए हैं शोल्डर और 7 इंच ही मैं यहाँ से ले रही हूँ आर्म होल के लिए। उसके बाद 10 इंच मैं यहाँ ले रही हूँ चेस्ट का 4th पार्ट और बाकी ये हमने ले लिया है मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कमर का पार्ट है 36 इंच, तो ये हो गया 9 इंच। यहाँ मैं डार्ट लगा लूँगी 1 इंच की और उसके बाद ये यहाँ मार्जिन हो जाएगा। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं, जो कि ये सीधे ही हैं, ठीक है। और यहाँ से आप हल्का सा इसे कर्व कर लीजिए, क्योंकि इससे इसकी फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ हम आर्म होल की शेप लगा लेते हैं। उसके बाद नेक ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच पर और बैक का नेक मैं ले रही हूँ 3 इंच, यानी 3/3 बैक के लिए हम लेंगे और फ्रंट के लिए हम लेंगे 7 इंच पर वी नेक। वी नेक होता है ना, तो थोड़ा सा डीप लिया जाता है, तो वी को मैं हल्का सा कर्व करके इस तरह से ले रही हूँ। ये फ्रंट के लिए है, यहाँ से मैंने शोल्डर डाउन किए हैं और उसके बाद आप यहाँ पर अपना आर्म होल को मेज़र कर देख सकते हैं कि ये आपके फिटिंग में है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया है 5 इंच और यहाँ 1 इंच की मैं डार्ट लगा दूँगी इस तरह से। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक में मुझे राउंड ही लेना है, तो यहाँ से एक पीस मैं हटा दूँगी। इसके बाद फ्रंट का नेक हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चोली के दोनों पीस कट हो चुके हैं। अगर आपको अस्तर लगाना हो तो आप इसी नाप से अस्तर कट कर लीजिए। अब देखिए, बचे हुए कपड़े को वापस ऐसा का ऐसा जो हमने 4 फोल्ड किया था ना, वो मैंने सेट किया और यहाँ से 18 इंच पर मैं स्लीव्स के लिए कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो स्लीव्स के लिए कपड़ा मैंने एक साइड रख दिया है। अब यहाँ पर जो मेरा ये कपड़ा बचा है, इसे मैं करूँगी इस तरह से डबल फोल्ड और इसे यहाँ बीच में से मैं कट कर लूँगी। क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसके 2 पीस कर लिए हैं, है ना। मतलब एक पीस ये हम लगाएंगे फ्रंट में और इसको लगाएंगे बैक में, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने ये फ्रंट बैक ये स्लीव्स के लिए कपड़ा कट कर लिया है और ये मैंने 60 सेंटीमीटर लाइनिंग ले ली है, जो मैं यहाँ पर फ्रंट बैक में लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे ही तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये 60 सेंटीमीटर कपड़ा है। यहाँ पर मैं इस तरह से इस बैक पीस को रखूँगी और पहले नेक तैयार कर लूँगी। नेक तैयार करने के बाद इसे पलट कर चारों तरफ से अटैच कर लूँगी और डार्ट लगाऊँगी। सेम इसी तरह से हम फ्रंट का पीस बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के पीस अस्तर के साथ सिल लिए हैं और यहाँ हमने गले को पलट कर बनाया था। अगर आपको गला बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप कैनवास को चिपकाएँ और उसके बाद अस्तर लगा कर उसे पलट दें, ठीक है। यहाँ पर डार्ट लगा ली है और चारों तरफ से इसे अटैच कर लिया है। तो ये फ्रंट और बैक के अपर बॉडी तैयार हो गई है। अब हम इसमें से स्लीव्स कट करेंगे, तो इसे मैंने रखा है 4 फोल्ड। यहाँ से आप चेक कर लें कि ये बराबर के हैं। अब हम इस 4 फोल्ड पर मैं निशान लगाऊंगी स्लीव्स के लिए। तो देखिए, यहाँ पर इसकी लंबाई हमने ली थी 18 इंच, यहाँ से 4 इंच पर मैंने ये निशान लगाया। अब देखिए, ये थोड़ी सी हमारी बड़ी है ना, 11 इंच की है, क्योंकि हम यहाँ पर
हल्का सा पफ ले लेंगे। तो जितना भी आपने मार्जिन लिया हो उतना स्ट्रेट लेना है और उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से इसे निशान लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 12 इंच पर मैं एक निशान ले लेती हूँ स्लीव्स की लेंथ का। तो ये हो गया 12 इंच पर निशान। अब यहाँ से स्लीव्स का बॉटम में 5 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो ये तो आपके नॉर्मल 12 इंच की स्लीव्स हो गई है। अब इसका निशान आप यहाँ की साइड मोड़ दें इस तरह से, जैसे हम बेल स्लीव्स लेते हैं ना, तो ये आपका बेल स्लीव्स का निशान है, जो बेल स्लीव्स ऐसे करके ऐसे आती है। अब यहाँ से इसको आपको गुलाई देनी है। तो सिंपल जो हम बेल स्लीव्स बनाते थे ना, ये उसी तरह से है। यहाँ मैंने अपनी स्लीव्स की लेंथ ली है, उसके बाद मैंने 6 इंच का ये चौड़ा बॉर्डर लिया है और इसे बेल स्लीव्स जैसा लुक दिया है। आई होप आपको चौक के निशान क्लियर दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ से आपको कट करके भी बता देती हूँ। बिल्कुल बेल स्लीव्स जैसा ही लुक आ गया ना। और यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ से ही डिज़ाइन करना है। अब यहाँ हल्का सा आपको फ्रंट में शेप देना है। इस तरह से मैंने स्लीव्स कट कर ली है। अब हम इसे तैयार करेंगे। तो देखिए इन दोनों के मैं शोल्डर जॉइन कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें स्लीव्स अटैच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर इसके शोल्डर जॉइन कर इसमें स्लीव्स अटैच कर ली है, ठीक है। और जो जितना हमारा स्लीव्स बड़ा था ना, उतना हमने यहाँ पर हल्की हल्की प्लेट्स लगा ली हैं। तो इस तरह से ये स्लीव्स लग गई है। अब आपको इसमें फिटिंग देनी है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो ये जो मैंने कट लगाया था यहाँ, यहाँ पर आपको अपने नाप की फिटिंग लगानी है, जो आपकी फिटिंग है, ठीक है। तो मुझे सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक अभी सिर्फ। तो मैं पहले इतनी सिलाई लगाऊंगी, पहले हम फिटिंग यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से मैंने ये सिलाई शुरू करी है, अब यहाँ मैं एक कट लगा लूँगी, ठीक है। ये कट मैंने लगा लिया। अब इससे आप सीधा कर लीजिए, जो कट मैंने लगाया था वो यहाँ पर इस तरह से निकल आया है। अब यहाँ से आपको वापस से सिलाई करनी है इस साइड, सीधी साइड पर। अब बहुत ज़्यादा फैब्रिक है ना, तो उसे मैं कट कर दूँगी। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि बॉटम तो फोल्ड करना ही रहेगा ना। इस तरह से ये डबल फोल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा प्रिंटेड कपड़ा है, इसलिए आपको सिलाई देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्लियर समझ में आए। बस हमने इसमें स्लीव्स में थोड़ा सा डिज़ाइन लिया है, क्योंकि कुर्ती में नेक पर डिज़ाइन और स्लीव्स पर डिज़ाइन यही ज़्यादा चलते हैं। जैसे कि ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन चलता है, लेकिन कुर्ती में ना फ्रंट का नेक चलता है, और स्लीव्स डिज़ाइन दोनों में ही चलते हैं बहुत। तो जो बेल स्लीव्स हम बनाते थे ना पहले कुर्तियों में बहुत बनाई, उसी का ये एक नया लुक है। यहाँ पर हमने इसका बॉटम फोल्ड कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ से कट है ना, इसे यहाँ से आप पकड़िए और पूरा फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो स्लीव्स का ये जोड़ था, वहीं पर ये जोड़ इस तरह से लेके मैं यहाँ पिनअप कर देती हूँ। अब मैंने इसे इस तरह से किया, तो देखिए ये यहाँ पलट गया और ये मेरी सीधी साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये इसके साथ मैंने फ़िक्स कर दिया। अब पूरा मैंने इसे इस तरह किया ये पलट के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इतनी झोल है, ठीक है। अब यहाँ हम निशान लगा लेंगे कि ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। निशान लगा लिया। अब हम इस स्लीव्स को इस तरह रखेंगे, यहाँ मैं यहाँ शोल्डर का सेंटर है ना, बिल्कुल उसके बराबर में रखेंगे। तो ये देखिए ये इसकी लूजनेस है और ये इसका सेंटर का निशान है। आपको एक सुई धागा लेना है और यहाँ से इसे ऊपर की साइड, खाली ऊपर वाले कपड़े में आपको टांके लेने हैं, छोटे छोटे टांके लेने हैं। देखा आपने, आप चाहें तो यहाँ पर मशीन से भी एक टांका लगा सकते हैं। ये मैंने टांका ले लिया और इसे मैंने ये पक्का कर दिया। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बटरफ्लाई का बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि मैंने इस डिज़ाइन के लिए कपड़ा गलत ले लिया है, क्योंकि प्लेन कपड़े में बहुत क्लियर दिखता है ये डिज़ाइन। अब यहाँ पर एक बटन हम इसी सुई धागे से टांग देंगे, जिससे कि बार बार हमको दिक्कत नहीं आए।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए यहाँ पर अपर पार्ट तैयार हो गया है, अब इसका बॉटम तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इसके बॉटम के दो पीस कट करके रखे थे ना, यहाँ आप चाहें तो पहले इसका ये बॉटम फोल्ड कर लें, ठीक है, और दूसरी साइड हमको गैदर लगानी है। तो गैदर लगाने के लिए मैं मशीन यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से टांका भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा टांका जो मेरी मशीन में है 5 नंबर वो लगा लिया है और इसे टाइट कर लिया है। अब मैं यहाँ से लगाऊंगी जिससे कि इजीली ये धागा खींच सके। अब यहाँ से एक धागा पकड़िए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरा गैदर तैयार कर लिए हैं। अब आप इसे मेज़र करके देख लें कि ये आपके चोली पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये चोली पार्ट के बराबर है। अब हम इसके साथ इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्जिन है ना उसे आप इस तरह से अंदर कर दें, ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे। हम गैदर को ऊपर की साइड रखेंगे जिससे कि ईजीली मुझे दिखाई दे कि सिलाई कहाँ लग रही है। यहाँ इसके जो चाक है ना वो ओपन रहेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा इसे लगा दिया है और ये इसका फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है। अब सेम इसी तरह से मैं इसका बैक पार्ट में भी लगा लेती हूँ और उसके बाद इसका यहाँ नीचे बॉटम फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से ये कुर्ती कंप्लीट हो गई है, हमने इसके बॉटम भी फोल्ड कर लिए हैं। अब आपको यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि अगर आप जैसे कि ये है ना पूरा जो चोली पार्ट है उसके बाद से ही ओपन है, तो अगर आप इसे इस तरह ओपन नहीं पहन सकती हो ना तो आप फ्रंट और बैक के पीस में अलग अलग इसे जोड़िए और फिर जो हम फिटिंग करते हैं ना उसी फिटिंग को आप यहाँ तक सिल लीजिए और जितना आप पहन सकती हो उतना आप ओपन रखिए। तो इस तरह से भी इसे लगा सकते हैं। तो कुर्ती रेडी है, अब मैं आपको इसे बताती हूँ कि इसका लुक किस तरह से आया है। तो देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती का लुक आया है और यहाँ पर साइड से ये ओपन है। स्लीव्स में ये डिज़ाइन बनाया है मैंने, लेकिन ये चूंकि बटिक का कपड़ा है तो यहाँ क्लियर आपको डिज़ाइन नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी के साथ अगर इस वीडियो को देखकर आप अपना कुर्ती का डिज़ाइन बनाएं तो उसका पिक मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही आपको पता है अगर आप YouTube पर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके और Facebook पर मुझे फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।